हम तेरे बिछड़ने का गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समोड़े अजनबी आसरे पे बैठा हूँ वक्त के फैसले पे बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अजनबी आसरे पे बैठा हूँ वक्त के फैसले पे बैठा हूँ। तुम जहाँ छोड़कर गई थी मुझे मैं उसी रास्ते पे बैठा हूँ। तुम जहाँ छोड़कर गई थी मुझे की मशहूर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब जिनकी गजल सुनने के लिए मेरे कई दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की है, मैं पेश कर रहा हूं। कैसे? मैं उसी रास्ते पे बैठा हूं और क्या कहता हूं कि गम। ये जितने हमारे नौजवान बैठे आप भी तवज्जो रखना और इधर से भी फरमाइश थी, गम तेरे बिछड़ने का बहुत शुक्रिया। तकरीबन 500 रुपए मुझे मिले, मैं मतलब सब आपकी नजर कर रहा हूं। कैसे? गम तेरे बिछड़ने का, गम तेरे बिछड़ने का, गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समोड़े। भाई जान आप ही सुनिएगा, क्या बात है। आप बात में ले लेना, पहले इनको दे दे। जल्दी करो यार, लीजिए। बैठ जाइए और गजल का मतलब सुनिए पूरा। गम तेरे बिछड़ने का हम दिल में समो
गम तेरे पिछड़ने का, हम दिल में समो समोनेंगे। तू याद जब आएगा, आएगा तू याद जब आएगा, तो तन्हाई में रो ले। समाप्त फरमाए, माशाल्लाह फिर तकरीबन 700 रुपए से नवाजा हमारे दोस्तों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, गजल का। हाँ ले लो भाई, ये जो हमारे भाई बैठे हैं सामने, मैं भाई गजल पढ़ रहा हूं और ये शेर बतौर खास आप लोगों की नजर कर रहा हूं। कैसे है? अच्छा ये बताओ, मोहब्बत किस किसने की आप लोगों में से? अच्छा ये इन्होंने की है, बस आपने भी की है, तो चलो शेर सुन लो एक यार। दिल प्यार की राहों में, दिल प्यार की राहों में पर शाद साहब वाहिद भाई 100 रुपए ऐसे नवाजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल प्यार की राहों में बर्बाद हुआ, बर्बाद किया किसने बर्बाद किया किसने, ये राज ना छोड़े। शुक्रिया। बर्बाद किया किसने, ये राज ना खोलेंगे। बर्बाद किया प्यार की राहों में बर्बाद हुआ लेकिन।
किसने बर्बाद किया किसने ये राज ना बोलेंगे बर्बाद किया किसने बहुत शुक्रिया ये राज ना बोलेंगे और खोजेंगे बर्बाद किया किसने ये राज ना बोलेंगे बर्बाद किया माशाल्लाह हमारे नौजवान क्या अच्छा सुन रहे हैं। देखिए गजल का मजा तभी आता है जब कुछ लोग गजल के सुनने वाले हों। देखिए मेरी एक आदत रही है शुरू से कि मैं प्रोग्राम को छिछोरा कभी नहीं बनाता। जैसे कि आप देखते ही हैं आजकल क्या माहौल चल रहा है कव्वाली का, अल्लाह माफ करे मुझे, मैंने कभी इस हद तक स्टेज पर कव्वाली को बदनाम नहीं किया। मैंने कोशिश की है कि कव्वाली का मैयार भी कायम रहे और लोगों को गजल का भी मजा आए, कव्वाली का भी मजा आए। और इंशाल्लाह ये गजल जो मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया है। अगला शेर आपकी समातों की नजर, कैसे उजाला जी हम कुछ भी शेर सुनो यार हम कुछ भी नहीं उनके ए बेटा हम कुछ भी नहीं उनके शुक्रिया हम कुछ भी नहीं उनके वो कहते हैं तो कहने सामने भाई आप भी सुनना हम कुछ भी नहीं शुक्रिया हम कुछ भी नहीं उनके शुक्रिया हम कुछ भी नहीं उनके वो कहते हैं तो कहने कहने तो पाएंगे कसम खुदा की पाएंगे पाएंगे हमी को वो पाएंगे हमी को वो दिल चापी पढ़ रहा हूं सुभान अल्लाह। देखिए साहब आखिरी शेर, शेर तो एक और रह जाएगा लेकिन मैं इशारा समझता हूं कमेटी के लोगों का, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। और आखिरी शेर मोहतरमा शबीना अदीब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर खलीजी ममालिक और अमेरिका लंदन वगैरह में भी उनकी शोहरतें बहुत हैं और उनको बड़ी ही इज्जत और एहतराम की नजरों से देखा जाता है मुशायरों में। तो ये शेर शबीना जी ने लिखा है मैं पेश कर रहा हूं और
अगर अच्छा लगे तो मेरी हौसला अफजाई करें, बड़ी मेहरबानी। कहना है सुनना भाई जान, कर आपकी कर आपकी नींदों के कर आपकी नींदों के शुक्रिया, ये 100 रुपए और मिले हैं। कर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, कर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, कर आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए। ये 50 रुपए भाईजान ने दिए, शुक्रिया किस बात पर, और आपका भी शुक्रिया। कर आप की नींदों के सपने हमें मिल जाए, हम जागती आंखों से हम जागती आंखों से हम जागती आंखों से। देखिए ये आ गए हमारे रिश्तेदार, बड़ी देर में आए, मैं तो समझा आज आ ही नहीं है आप। कर आपकी आंखों के नींद, आपकी नींदों के सपने हमें मिल जाए, कर आप की नींदों के सपने मिल जाए, तो हम जागती आंखों से हम जागती आंखों से कुछ देर तो सो जब आएगा, तू याद जब आएगा।